हमीरपुर जिले के बड़सर की एक महिला की झूठी रेप का मामला दर्ज करवाए जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। मामले में बड़सर पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर दर्जनों ग्रामीणों ने आज हमीरपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। प्रतिनिधि मंडल ने महिला द्वारा झूठा मामला दर्ज करवाने की बात कही, जिस कारण पूरे गांव के लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि औरत झूठे रेप की शिकायत कर रही है, जिस कारण पूरे गांव के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ठीक से जांच पड़ताल करे, क्योंकि झूठे आरोपों की पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो लोग जहर खाने के लिए मजबूर होंगे। डिमांड करने आए यहाँ पे, उस औरत ने हमें इतना तंग कर दिया, आज पति पे लगा दिया झूठा ब्लेम, कल बेटे पे लगा दिया, और पुलिस ने जो धारा लगाई उसको हटाए। हमें जो है वो सेफ्टी चाहिए उस औरत से, और उस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि बाकी औरतों को जो ऐसी इस तरह की हैरेस टाइप की उनको जो सबक मिले। क्या हुआ? एस पी ने हम कोशिश कर रहे हैं, साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, पूरी उम्मीद है एस पी साहब। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर हम जहर खाकर मर जाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। महिला ने बताया कि महिला ने दो व्यक्तियों पर रेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी महिला ने कई पुरुषों पर झूठे मामले दर्ज करवाए हैं। उन्होंने बताया कि गांव वाले इस महिला से बहुत तंग आ गए हैं। सर, हम आए थे, हमारे गांव के दो बच्चे हैं, उनके ऊपर उसने मतलब रेप केस का दर्ज कर दिया है बड़सर में। तो वो बच्चे ऐसे नहीं है, उस औरत ने एक बच्चे के साथ नहीं, कई मर्दों के साथ ऐसे झूठे केस लगाए उस औरत ने बड़सर में। तो हम एसपी साहब के गुहार लगाने आए थे भी हमारा सही का साथ हो, सच का साथ दे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। बड़सर थाना में आपने कंप्लेंट करवाई थी, क्या लगता है पुलिस ठीक काम कर रही है बड़सर वाली? हाँ, ठीक कर रही है। उन्होंने अगर जो धारा लगाई हुई है उसमें तो गिरफ्तारी होती है फर्से पर, उनको पता है कि वो औरत कैसे, क्योंकि ऑलरेडी उस औरत के 8-9 केस चले हुए, 12-13 केस चले, तो पुलिस भी जानती है कि वो लेडीज गलत है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी आज तक नहीं की। अगर सही उनको सही लगता तो आज गिरफ्तार हो जाना, नहीं तो आज तक। तो हमें मतलब सही का सच्चाई का साथ दे, हमें बस ये चाहिए। ज्योति शर्मा ने बताया कि मेरे पति आर्मी में है, लेकिन महिला ने पति पर रेप का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब भी मेरा पति घर आता है तो उस पर झूठा आरोप लगा देती है, जिससे पूरा परिवार तंग हो चुका है। और मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, मेरे हस्बैंड जो है वो आर्मी में है, उन्होंने इतना परेशान करके रखा है कि मतलब हमारा जीना मुश्किल कर दिया है इस वक्त। और 3 साल से वो छुट्टी नहीं आ रहे हैं इसकी वजह से, जब भी आते हैं तभी झूठा इल्जाम लगाएगी और फंसाएगी, और थाने में बार बार हमें बुलाया जाता है और परेशान किया जाता है। और मैं बस यही चाहती हूँ उनसे कि सच का साथ दे और कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। उसने 3-4 बार उनको फंसाया है झूठे आरोपों में, भी उनका नाम ले लेती थी उनको, केस दर्ज करवा देती है। पुलिस कैसे दर्ज कर देती वहाँ पे पता, ये पता नहीं लगता है कि मतलब पुलिस कैसे उनके केस ले लेती है। ऑन ड्यूटी बनता है फिर भी उनके केस लगाए जाते हैं, हमें तो वैसे हरासमेंट करके रख दिया है, हमारा जीना मुश्किल है इस गांव, हमारे बच्चों का भी निकलना। वहीं इस मामले पर एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा का कहना है कि बड़सर थाना में महिला ने दो व्यक्तियों पर रेप करने का आरोप लगाया था, जिसके विरोध में 3 गांवों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर न्याय करने की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। ये बड़सर थाना में एक पिछले दिन एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला ने अपने ही गांव के दो युवकों पे रेप करने का आरोप लगाया, तो उससे संबंधित ये डेलीगेशन आया था, गांव वालों का इस मामले में अपना पक्ष रखा उन्होंने, तो पुलिस इसमें हमने अश्योर किया लोगों को, इसमें जांच सही तरीके से की जाएगी, जितना जल्दी हो सके हम इसमें जांच करके जो सही नतीजा है उस तक पहुँचेंगे।